आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आगरा फिरोजाबाद राष्ट्रीय मार्ग पर टुंडला से महज दूरी पर माँ वैष्णो देवी धाम मंदिर स्थित है। ये धाम भक्तजनों में आस्था का केंद्र बिंदु है। संस्थापक का कहना है कि माता के आशीर्वाद से मंदिर वर्ष 2010 में बनकर तैयार हुआ है। 6 अप्रैल 2001 को हरिद्वार में लाल माता मंदिर वैष्णो माता मंदिर पर परिवार के साथ दर्शन कर रहे थे। वहां पर गुफा में दर्शन करते समय एक मुंह से आवाज़ ऐसी निकली कि ऐसा मंदिर अपने शहर में बनाऊं। तभी मैं सोचने लगा कि क्या बोल रहा हूं, इतनी बड़ी बात। पर वहां गुफा में एक आवाज़ आई, मैं हूं ना, ऐसा करके मुझे आभास हुआ कि माता रानी मेरे साथ खड़ी हैं। तो हम गुफा में सद्बुद्ध खो बैठे। जब श्रद्धालु पीछे चिल्लाने लगे चलिए आगे बढ़िए, तो हम गुफा से बाहर निकल के आए और अपनी पत्नी को बताया कि ऐसा मंदिर अपने शहर में बनाएंगे। तो वो कहने लगी क्या पागल हो गए हो, और उनको भरोसा नहीं हो रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि ये ऐसे मंदिर भगवान के होते हैं जो वो स्टार्ट कोई करता है और अंत कोई करता है, धीरे धीरे वो बनता चला जाएगा। तो इस प्रेरणा के साथ हम फिरोजाबाद वापस लौट कर आए। पहले अब क्या रूप ले चुका है माता, उसके बाद में फिरोजाबाद में आकर के जमीन तलाशी, और जिस व्यक्ति से हमने कहा जमीन दिलाओ तो उसने हमारा उत्साह बढ़ाया, बोला आप इतना नेक काम कर रहे हैं तो मैं आपसे कोई दलाली नहीं लूँगा। तो उन्होंने हमको बिना दलाली की जमीन दिलवाई, और जिस व्यक्ति से हमने जमीन परचेज की उन्होंने भी ये कहा कि मैं तो अपने बच्चों के लिए जमीन ले रखी थी, लेकिन अब आप इस काम के लिए आए माता रानी के भवन के लिए, गुफा के लिए, तो मेरी क्या औकात है। तो उन्होंने हमको जमीन दे दी। उसके बाद में हमने अपने साथ में 10 और ट्रस्टी माँ के भक्त जोड़े, और वहाँ पर 14 मार्च 2004 को एक विशाल भूमि पूजन हुआ, जिसमें के लगभग 30-40 हज़ार लोगों की में उपस्थिति में, और देश के कई विद्वान आए थे, उद्योगपति भी मंच पर थे, उनके उपस्थिति में प्राण भूमि पूजन का आयोजन मार्च में हुआ। उसके बाद उसका प्रथम अध्यक्ष 2004 से 2006 का मुझे बनाया गया, और उसके बाद हम धीरे धीरे लगे रहे, धीरे धीरे लगे रहे। उसके बाद में फिर जब 2010 में मंदिर की स्थापना होनी थी उसका भी संयोजक मुझे बनाया गया, तो 6 महीने मैंने अपने कारोबार को छोड़ करके मंदिर की स्थापना में लग गया। और 1 फरवरी 2010 को वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने हमको ज्योति दी माता रानी की, वो फिरोजाबाद में ज्योति आई, जिसका शहरवासियों ने विशाल सम्मान स्वागत किया। फिरोजाबाद के राधा कृष्ण मंदिर में उस ज्योति को रखा गया। उसके बाद में वह ज्योति 10 दिन तक वहीं राधा कृष्ण मंदिर में थी। 11 फरवरी 2010 को वह ज्योति विशाल शोभा यात्रा के साथ और जितनी मूर्तियां मंदिर में लगी हैं 17, उन सब मूर्तियों के साथ 501 महिलाओं ने कलश उठाया था पूरे शहर में होते हुए वैष्णो देवी धाम पर। 11 फरवरी 2010 को वो ज्योति आई। 11 फरवरी से 16 फरवरी तक आगरा के चंदनलाल पाराशर, जो कि बहुत बड़े विद्वान थे, उनके दिशा निर्देश में हिंदुस्तान से 21 वेदाचार्य बुलाए गए थे, बनारस, इलाहाबाद, अहमदाबाद, नासिक, उनके सानिध्य में मंदिर की 7 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा हुई, और 16 फरवरी 2010 को वो मंदिर जनता जनार्दन के लिए खोल दिया।